मित्रों, आज हम जानेंगे कि अप्सराएं कौन होती हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इनकी उत्पत्ति को लेकर आज तक भ्रमित किया जाता रहा है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी, परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी। उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्तियों से संपन्न माना जाता रहा है। वेद और पुराणों की गाथाओं में उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, कुंडा आदि नाम की अप्सराओं का जिक्र होता रहा है। सभी अप्सराओं की विचित्र कहानियां हैं। माना जाता है कि ये अप्सराएं गंधर्व लोक में रहती हैं। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती थी। पुराणों के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र ने सिंहासन की रक्षा के लिए अनेक बार संत तपस्वियों के कठोर तप को भंग करने के लिए अप्सराओं का इस्तेमाल किया है। वेद और पुराणों में कई स्थानों में इन अप्सराओं के नाम आए हैं, जहां उन्होंने घोर तपस्याओं में लीन ऋषियों के तप को भंग किया। शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं प्रमुख सेविका थी। ये 11 अप्सराएं कृतस्थली, पुंजिक स्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमचलोचा, घृताची, वर्षा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा, इन सभी अप्सराओं के प्रधान अप्सरा रंभा थी। भारतीय पुराणों में यक्षों, गंधर्वों और अप्सराओं का जिक्र आता रहा है। यक्ष, गंधर्व और अप्सराएं देवताओं की तरह ही माने गए हैं। कहते हैं इंद्र ने 108 ऋचाओं की रचना कर अप्सराओं को प्रकट किया। अलग अलग मान्यताओं में अप्सराओं की संख्या 108 से लेकर 1008 तक बताई गई है। धन्यवाद।